out to the next guy. हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं आज हम अपने को नए रैंक पुश वीडियो के साथ। तो इस मैच में और इसके अगले मैच में किया ही सबको ग्रेनेड से फोड़ा है, और भाई ए मैच तो पूरा ग्रेनेड फोड़ने में चला गया। तो यहाँ पे आते और देखते हैं कि यहाँ पे तो बंदे आ चुके हैं। तो ऊपर ड्रॉप दिख रहा होगा आपको, घर के ऊपर दिखा होगा जो ड्रॉप, तो हम उसको लूटने आए थे। और ये ड्रॉप किसी और का नहीं है, हमारा ही है, वो भी हम तुमको दिखा देंगे। तो यहाँ पे पहले हम खींचते हैं ग्रेनेड की पिन और देखो क्या होता है। तो यहाँ पे मेरे को उसका फुल स्टेप की आवाज आ चुका था, इसलिए मैंने उसको फोड़ दिया नेड में ही। तो यहाँ पे अभी हम भागने का ट्राई तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमको नॉकआउट कर देता है। तो यहाँ पे पहले मैं अपने बंदे को बोलता हूँ कि भाई पहले रिवाइव कर दे। तो यहाँ पे हम जैसे रिवाइव होते हैं तो वो बंदा भाई हीलिंग करने के लिए रुका होता है, तो हम उतनी देर में रिवाइव हो जाते। तो बाद में वो हम पे कर देता है पुश, लेकिन कोई काम का नहीं होता वो पुश, क्योंकि हम उसको मार देते हैं आसानी से दोनों मिलके। तो यहाँ पे पहले इसके पेटी से भाई बम बार उठे तो उठाते, और बाद में देखो ड्रॉप को नीचे गिराते। तो यहाँ पे काफी बम फोड़ लिए, लेकिन ड्रॉप नीचे नहीं गिरा। और आपको लगता होगा कि ये हमारा ड्रॉप नहीं, तो ये देख लो यहाँ पे हमने फेर छोड़ी थी और ये ऊपर से आ रहा था। तो यहाँ पे आके ऊपर रुक जाता है, और हमारे पास एक ही ग्रेनेड होता है। तो पहले हम ग्रेनेड ढूंढने जाते हैं, तो ग्रेनेड ढूंढ के जैसे ही आते हैं तो वो भी ग्रेनेड खत्म हो जाते। तो तब भी हमको पीछे से एक बंदा मारते और हम अंदर आ जाते। देखो वो बंदा क्या करता है। तो यहाँ पे भाई वो बंदा सिंगल शॉट से आसानी से हमको मार देता है। तो यहाँ पे हमारा बंदा पहले कर देता है हमको रिवाइव, और वो बंदा हम पे कर देता है पुश। तो देखो पहले यहाँ पे हम करते हिल और देखो क्या होता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एड लगा ली, और यहाँ पे वायरस भाई का वायरस निकाल दिया। और हमको जाना था शॉप में से ग्रेनेड उठाने की, तभी ये बंदा हमको ग्रेनेड दे जाता है। तो यहाँ पे अभी एक ग्रेनेड की जरूरत थी, तो अभी देखो के ड्रॉप नीचे पाड़ते हम। तो यहाँ पे आखिरकार हमारा ड्रॉप नीचे आ ही जाता है भाई, देखो। तो यहाँ पे हम इसमें से पहले लूट लेते हैं, क्योंकि काफी मेहनत के बाद ये नीचे आया था। तो यहाँ पे हम लूट के जैसे ही आगे जाते हैं कि यहाँ पे बंदा दिखता है हमारे बंदे को। तो यहाँ पे आके मैं गाड़ी रोक देता हूँ, तो अभी मैं भी आगे जाता हूँ क्योंकि बंदा आगे की साइड था। तो यहाँ पे बंदे के फुल स्टेप क्या आवाज मेरे को जैसे तैसे आए तो थे, लेकिन हमारा बंदा बोलता है घर के उस साइड है। तो यहाँ पे देखो मैं ग्रेनेड डालता हूँ, और एक ग्रेनेड में बूम। और इसका जो दूसरा बंदा है ना, वो देखो भाई किया ही कैंपर था बड़ा वाला, और इसको हमने मार दिया। मैंने भाई ग्रेनेड का पिन खींचा, लेकिन फिर भी ये बंदा भाई मेरे को मारने के लिए नहीं आया बाहर। तो भी हम इनमें से भाई ग्लोजा उठा लेते और हम के छोड़ देते, और यहाँ से निकलने की ट्राई करते हैं कि तभी हमारे बंदे को एक बंदा कर देता है नॉकआउट। तो अभी ऊपर वो दो बंदे होते हैं, हमारे बंदे को नॉकआउट किया था। तो यहाँ पे उसको भाई कोई और स्क्वाड मार रही थी, तो हम यहाँ से पीछे से दोनों को मार देते और दोनों के किल ले लेते। तो यहाँ पे अभी जोन आ ही रहा था, तो हमको निकलना था जोन। तो यहाँ से अभी हम बगी उठा के जोन निकलते हैं, देखो। तो यहाँ पे आके जोन में जैसे ही बगी रोकते हैं कि देखो क्या होता है हमारे साथ। यहाँ पे यार चार पांच फायर के साउंड और निशान आ रहे थे, तो हमको मालूम नहीं लगा कि इस साइड से मार रहा है। मेरे को लगा कि भाई पहले कवर ढूंढता हूँ, अच्छा वहाँ पे लेट जाऊँगा कि तब तक वो कर देता है नॉक। और हमारा बंदा आता है भाई उठते उठते, और देखो वो आके लेट जाता है सीधा ही बगी के पीछे। तो उसको भी उस बंदे ने डैमेज किया था, लेकिन मैंने बोला भाई पहले कर दे स्मोक, क्योंकि अभी पाँच साइड से फायर के निशान आ रहे थे, तो सभी साइड से हमको पड़ सकती थी। यहाँ पे मैंने मेरे बंदे को बोला था मुंह पे स्मोक कर भाई, हम स्मोक में आ जाने चाहिए, लेकिन बंदे के दोनों स्मोक आगे जाते। तो यहाँ पे भाई देखो मैं रिवाइव होने आ रहा हूँ, और जैसे ही रिवाइव होने आया कि भाई दूर से मार का पट से शॉट दे दिया,
तो यहाँ पे अभी हमारी पेटी चमक गई। तो एक गेम तो ऐसे ही गया, तो अभी ये दूसरे गेम में हम आ गए। तो यहाँ पे हमने आगे पेट्रोल पंप पे एक बंदा ग्लिच से देखा था, जो वो लकड़े के टेबल के पीछे लेटा हुआ था। तो यहाँ पे आके अभी हम गाड़ी रोकते और देखो क्या करते उसके साथ। यहाँ पे पीछे से जाके धीरे से मार देते हैं इस कैंपर को भाई, क्योंकि इसको जाना था ऊपर, वो पक्की बात थी, इसीलिए वो यहाँ पे लेटा था। लेकिन वो तो ऊपर नहीं जा सकता और हम जाते हैं ऊपर, देखो। तो यहाँ पे भाई इतनी बड़ी दीवार कूद दी भाई हमने अपनी मेहनत से, और यहाँ पे देखो क्या ही जंप लगाया है, इतना जंप तो तुम्हारे से लगेगा भी नहीं। और अभी हम ऊपर जाके लूट बूट करके आते हैं कि तभी हमारे बंदे के पास एक बगी आ जाती है, और देखो वो उसका क्या करते है। उसको लगा कि ये एक ही बंदा है, तो भाई वहीं पे आके रुक जाता है और हम इस साइड से मार देते। तो यहाँ पे इस बंदे को मार के भाई थोड़ी देर यहीं पे रुकते, और हमारा बंदा उसको भाई मुक्के से मार रहा था। तो यहाँ पे इस बंदे को भाई मुक्के से मारा, इसलिए थोड़ा सा इसको भाई वो हुआ होगा, शायद इसको गुस्सा आ गया होगा। तो ये बंदा फिर से हमारे पीछे गाड़ी करता है और देखो क्या करते इसके साथ, क्योंकि ये बंदे का अभी रिकॉर्ड बाकी था, इसीलिए उसने वहीं पे गाड़ी रोक दी थी। तो यहाँ पे ये बंदे फिर से हमारे पीछे पड़ जाते और देखो क्या करते फिर से हम उसके साथ। तो यहाँ पे आके हम फिर से गाड़ी रोक देते, वो बंदे यहाँ पे ही आ रहे थे। तो यहाँ पे दूसरे बंदे को भी काफी लो किया था, लेकिन ये वही बंदा था जिसको हमने पहले मारा था। तो इसको पहले भी मारा और अब भी मार के यहाँ पे उसका बंदा इसको छोड़ के चला गया। तो यहाँ से अभी हम बगी उठा के भाई चले जाते हैं शेल्टर के पास, क्योंकि वहाँ पे अच्छा कवर बन रहा था। और अभी हम यहाँ पे ऊपर आके लेट के सभी को स्प्रे अच्छे से दे सकते थे नीचे वाले बंदे को। तो यहाँ पे जैसे ही ये बगी वाला बंदा आता है कि हम इसको कर देते भाई फिनिश, क्योंकि ये एक ही बंदा था। तो अभी इस घर पे भी बंदे थे, लेकिन भाई ये पिक नहीं ले रहे थे, इसलिए अभी हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और जोन बनता है तो जोन में चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे ये दो बंदे बगी लेके गए थे, और इससे पहले एक बंदा गिली शूट लेके भी गया था आगे। तो अभी देखो क्या होता है। तो वो दोनों बंदे गए थे, हमको मालूम नहीं लगा वो दोनों ने उसको मारे या उस बंदे ने वो दोनों को मार दिया। तो यहाँ पे वो गिली शूट लेके आता है। तो यहाँ पे ये बंदा जैसे ही दौड़ के जोन में आने का ट्राई करता है कि हम उसको कर देते हैं फिनिश। तो अभी यहाँ पे हम तो जोन में ही थे, तो थोड़ी देर यहीं पे रुकने वाले थे, लेकिन हमारा बंदा राइट साइड जाके एक और बंदे को करता है नॉकआउट, देखो। तो यहाँ पे हमने सोचा कि भाई हम भी उसके साइड चले जाते और जिसने नॉकआउट किया उसके दूसरे बंदे को भी मार देते। तो अभी हम यहाँ से पहले उठाते डासिए, क्योंकि भाई आगे जोन में जाना होगा तो गाड़ी काम आएगा। तो अभी वहाँ तो बंदे नहीं मरते, तो हम यहाँ पे आगे आ जाते। तो यहाँ पे भाई अच्छा अच्छा एंगल मिल रहा था, लेकिन बंदे नहीं दिख रहे थे मेरे को। और अभी इस साइड से फायर आता है, और देखो इसको भाई पेट के बीच से कैसे मारता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को बंदा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसे ही फायर करता हूँ और बंदा मर जाता है। तो यहाँ पे अभी 7 बंदे बचे थे, उसमें से 2 हम थे, तो मतलब कि 5 बंदे बचे थे। तो यहाँ पे अभी हमको एक भी बंदे का लोकेशन मालूम नहीं था, इसलिए हम यहीं पे थोड़ा सा वेट करते। लेकिन हमारा बंदा राइट की ओर जाता है और उसको लगता है वहाँ से दिखे तो मारेगा, लेकिन वो जैसे ऊपर जाता है कि पीछे से एक बंदा आ जाता है और उसको नॉकआउट कर देता है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, लेकिन नीचे आ जाते हैं तो फिर से ऊपर चढ़ के फिर से जाते हैं उसके पास। तो यहाँ पे हमने उसको काफ़ी लो कर दिया था, एक हेड और एक बॉडी लगा के। तो यहाँ पे ये बंदे को हम कर देते हैं फिनिश, और यहाँ पे पहले दे देते हैं हमारे बंदे को रिवाइव। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे बंदा रिवाइव होता है कि वो दोनों डुओ के बीच में फाइट हो जाता है। तो अभी हमको लोकेशन मालूम चल गया था कि वो बंदे दोनों उसी साइड है। तो यहाँ पे हम अभी फिर आ जाते और फिर यहीं पे आकर वेट करते कि जैसे ही वो भाई जोन में आने के लिए ट्राई करे कि हम उसको मार देंगे। तो यहाँ पे अभी हमने सोचा कि 4 बड़े वाले हमारे पास हेल्थ है तो लगा लेते हैं, बूस्ट भी लग जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमको पक्का तो नहीं मालूम था कि कहाँ पे बंदा है, लेकिन तभी बंदा पत्थर के पीछे से आके भाई वहाँ पे जाके लेट देता है। तो यहाँ पे अभी हम उसको लास्ट में ग्लोजा से कर देते हैं नॉकआउट। तो अभी एक बंदा बचा था और हमको मालूम नहीं था, लेकिन हमारे बंदे को मालूम था, तो बताता है कि भाई वो पेट के पीछे। तो यहाँ पे अभी हम करते उस पर ग्रेनेड, देखो।
तो शायद ग्रेनेड में फटेगा नहीं, पक्का फटेगा रे। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है चिकन। तो यहाँ पे भाई अभी काफ़ी देर से माइनस ही लग रहे थे, तो यहाँ पे एमएच में काफ़ी अच्छे प्लस मिल गए होंगे क्योंकि चिकन हो गया था। तो यहाँ पे आप भी कॉन्करर कर रहे हो तो कॉन्करर करना स्टार्ट रखो, और किसी को पेट पुश कराना है तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो।